राज्यसभा में केजरीवाल का समर्थन करेगी कांग्रेस। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन को लेकर कांग्रेस को तीसरा मैसेज भेजा है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को दक्षिण में कांग्रेस के सहयोगी डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। केजरीवाल ने इस बैठक के बाद कहा कि मैं सीएम स्टालिन को इतने गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। इस अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करने के लिए एमके स्टालिन जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। केजरीवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस भी इस अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक संयुक्त विपक्ष की चर्चा पर निर्धारित बैठक में काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश के साथ जीत हासिल की, जिसमें निर्वाचित सरकार को नौकरशाहों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।